कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, कोई डांट भी देता था रो जाते थे हम, आज तो नींद की गोलियां भी खाकर नींद रही आती, पहले तो एक माँ की लोरी में ही सो जाते थे हम। कि माना होती तो वफा कौन करता, कि माना होती तो वफा कौन करता, ये ममता का हक अदा कौन करता, हे बाबा हर एक की माँ को सलामत रखना, वरना हमारी सलामती की दुआ कौन करता। ओ शुरुआत देना कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन माज कर चार बेटों को पाल लेती है वो माँ, पर दुल्हन आने पर उन चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। कि बताया है कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। और ये चलेंगे उस माँ को याद करते हुए जिस माँ ने हमें जन्म दिया है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, दोनों हाथ सीधे करोगे। ये भजन है रागनी में समझ लो, उठा के तरह तारी बजा के ओ माँ, ओ माँ, माँ तू कहाँ, पहचान है माँ हमारी तुम्हारी शक्ति भगवान है। कौन कौन उस माँ को भगवान मानते हैं एक बार सीधे हाथ करके जरूर बताओ। प्रेम से जगह बोलो अपने माता पिता की, और यही चलते हैं उस ममता की और जिस ममता ने बड़ा कर दिया। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। क्या है माँ की ममता, बोलती रही आज भी आनंद आएगा। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। अब सुनिएगा किस्सा, किस्सा उस समय का जब एक घर से जवान बेटा कहीं दूर प्रदेश में जाता है, तो घर वालों से फरमाइश आती है। फरमाइश किस तरीके से सुनेगा। जब कोई परदेश जाता है बेटा, हाँ जब कोई परदेश जाता है बेटा, हाँ जी कौन जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, कि छोटा भाई कहता है मैं
प्यारी प्यारी सी साड़ी लाना। अगर उस माँ की बात अच्छी लगे तो ताली बजा के जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। मगर माँ कहती है, मगर माँ कहती है तू कुछ भी ना लाए, मेरा लाल बाबस मेरे घर को आए। ये होती है माँ की ममता। एक कहानी याद आ रही है, अगर आपकी मर्जी हो तो सुना दूं। कहानी मिलकपुर धाम की, एक बार प्रेम से जगह बोलो बाबा मोहन राम की। ऐसे नहीं बाबा मोहन राम जी का, दोनों हाथ उठा कर बोलो बाबा मोहन राम की। मिलकपुर धाम में होली वाले दिनों में बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले की घटना है कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे उस मेले में घूमने जाना है। तो वो माँ कहती है, बेटा वो मेला बहुत बड़ा है, तू खो जाएगा, तू मेरा अले का बच्चा है, मैं तुझे कैसे ले जाऊँ। लेकिन वो बच्चा अपनी माँ के सामने जिद चला देता है। सुनिएगा क्या होता है। मिलकपुर धाम में, मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी, मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी। माँ बेटने की देखने की तैयारी, माँ बेटने की देखने की तैयारी। नीलहा दूल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है, लगाया है। आनंद जब आएगा आधा मैं बोलवा था आप कुछ समझ जाए। नीलहा दूल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। लाल को गोद लिए, लाल को गोद लिए माँ वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता मचलने लगी। फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है। और ये फिर क्या होता है सुनिएगा। भीड़ जोरों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया, किसी बीच में माता का साथ छूट गया। कि उसके बच्चे को एक औरत ने चुराया था, बड़ी जालिम थी अपने घर में ही छुपाया था। और आप सभी को पता है जब एक माँ का लाल बिछड़ जाता है तो उस माँ की रो रो करके क्या हालत हो जाती है। सुनेगा कि ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंखें भर आई, वो रोती दुखियारी वापस अपने घर आई। बच्चा चुर गया, लेकिन उसे माँ बाबा मोहन राम पर यकीन था कि बाद एक साल वो मेला जरूर आएगा और अगले साल मैं अपने बच्चे को ढूंढने जरूर जाऊंगी। एक बार प्रेम से जिक्र करा बोलो बाबा मोहन राम की। कि बाद एक साल के वही मेला आया है, लाल को ढूंढने माता ने पकड़ा वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी। कौन सी औरत? जिसने उसका बच्चा चुराया था। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे वो अपना लाल बंसवर के लाई थी। और वो माँ, असली माँ अपने बच्चे को पहचान लेती और अपने पति से कहती, सुनेगा कि अपने पति से कहने लगी, मुन्ना वो हमारा है, कि झपट कर छीन लिया ना सोचा ना विचारा है। अब दोनों माओ में लड़ाई हो रही है, सुनिएगा किस तरह से। नकली माँ कहने लगी, नूरे नजर मेरा है, असली माँ कहने लगी, असली पिशन मेरा है। और फिर वहां पर उपस्थित भीड़ कहती है, यदि बच्चा इसके पास है तो इसी का होगा। तो असली माँ से कहते हैं कि तू को इस बच्चे की पहचान ही बता। तो दोनों माओ पहचान ही बता रही है, सुनेगा कि नकली माँ कहने लगी, अरे छोड़ दे मेरा दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है।
फिर वहां पर जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भीड़ को देखकर पुलिस वाले भाग कर आते हैं, उस बच्चे को छीन करके ले जाते हैं। सुनिएगा क्या होता है। शोरगुल सुनकर वहां पर पे पुलिस आई है, बच्चे को लेकर के उन दोनों को उसने छोड़ दिया। तुम अदालत में आओ, दोनों को ये हुक्म दिया। बच्चे को ले लिया और दोनों माओ से कह दिया कि दो दिन बाद तुम्हारी कोर्ट में तारीख है, कोर्ट में आ जाना, उस बच्चे को ले जाना। और जब वहां के जज साहब के पास वो फाइल पहुंचती है तो जज साहब बड़े घबरा जाते हैं, कहते हैं कि वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे। फैसला देता हूं साक्षी मेरा भगवान, भगवान को साक्षी मानकर जज साहब उस केस को शुरू कर देते हैं। सुनिएगा क्या होता है। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक दो इसको, एक इसकी झोली में धर दो। ये सुनकर नकली माँ खुश हो जाती है कि नकली माँ कहने लगी कि लाओ तलवार और जल्दी से टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी पांच की झोली भर दो। असली माँ कहने लगी पांच की झोली भर दो। ये बात सुनकर जज साहब उस असली माँ से कहते हैं कि अगर ये तेरा बच्चा नहीं तो इस बांझ को दे दिया जाएगा। तो असली माँ रो करके कहती है, क्या कहती है, अच्छी लगे तो दोनों ताली बजाकर आशीर्वाद देना कि मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा। मारो ना मेरे लाल को, एक एहसान तुम्हारा होगा। शर्मिंदा मत करो जी। ये बात सुनकर सारी कचहरी चुप हो जाती है, सबकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ये बात ही बात में जज साहब ने खेल कर डाला, नकली औरत को सात साल कैद कर डाला। ये होती है माँ की ममता। क्या होती है माँ की ममता। एक बार हाथ